हेलो दोस्तों, तो चलिए इस क्लास में बात करेंगे हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल। ये आपका आर्टिकल है ओजोन परत क्षरण से संबंधित। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अभी आखिर ये चर्चा में क्यों है, इसे भी देख लेंगे, इसकी पृष्ठभूमि को भी देखेंगे और एक परिचय भी देखेंगे। ओजोन परत की कमी के कारण क्या है उन्हें भी देखेंगे, और ओजोन परत के क्षरण के प्रभाव क्या क्या है उन्हें भी देख लेंगे। ओजोन परत की कमी का समाधान क्या हो सकता है उन्हें भी हम लोग देख लेंगे। ठीक, संदर्भ आर्यभट्ट, प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ने के कारण ओजोन परत का छिद्र बढ़ गया है। क्या हो गया? बढ़ गया है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस वर्ष तापमान गिरकर -80 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इसी के कारण हेलोजन गैस बादलों के बीच फंस गई, परंतु तापमान धीरे धीरे बढ़ने पर जब बादलों का बिखराव आरंभ हुआ तब गैस बाहर निकली तथा तो गैसों के उत्सर्जन से ओजोन लेयर में छिद्र बढ़ गया। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में से ओजोन रिक्तिकरण में दो संबंधित घटनाएं देखने को मिली। पृथ्वी के वायुमंडल यानी कि ओजोन परत में ओजोन की कुल मात्रा में लगभग 4% की स्थिर कमी और पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास स्ट्रेटोस्फेरिक मोन में बहुत बड़ी घटना घट जाती है। बाद की घटना को ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है। इन स्ट्रेटोस्फेरिक घटनाओं के अलावा ध्रुवीय ट्रोपोस्फेरिक ओजोन रिक्तिकरण घटनाएं भी हैं। अब बात करते हैं कि ओजोन परत की जो कमी हो रही है इसके कारण कौन कौन से हैं। ओजोन परत की कमी एक प्रमुख चिंता है और इसके लिए कई कारण जिम्मेदार हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर CFC ओजोन परत की कमी का मुख्य कारण है। ये साबुन, सॉल्वेंट्स, स्प्रे, एरोसोल, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि द्वारा जारी किए जाते हैं, यानी कि उत्पन्न किए जाते हैं। समताप मंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अणु पराबैंगनी विकिरण से टूट जाते हैं और क्लोरीन परमाणु को छोड़ते हैं। ये परमाणु ओजोन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और इसे नष्ट कर देते हैं। फिर आपका अनियमित रॉकेट लॉन्च, शोध कहते हैं कि रॉकेटों के अनियमित प्रेक्षण से CFC की तुलना में ओजोन परत का बहुत अधिक क्षरण होता है। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया जाता है तो वर्ष 2050 तक ओजोन परत का भारी नुकसान हो सकता है। फिर आपका नाइट्रोजन युक्त यौगिक, ओजोन परत के क्षरण के लिए आपका NO2, NO, N2O जैसे नाइट्रोजन यौगिक अत्यधिक जिम्मेदार हैं। प्राकृतिक कारणों की बात करें तो ओजोन परत को कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाएं जैसे सौर धब्बे, स्ट्रेटोस्फेरिक हवाओं से कम पाया गया है, लेकिन यह ओजोन परत की 1 से 2% से अधिक घटने के कारण बनता है। ओजोन रिक्तिकरण पदार्थ, ओजोन घटने के पदार्थ क्लोरोफ्लोकार्बन, हेलोजन, हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रो फ्लोरोकार्बन आदि जैसे पदार्थ जो ओजोन परत के लिए भी जिम्मेदार हैं। ठीक, बात करते हैं ओजोन परत के क्षरण के प्रभाव क्या हो सकते हैं। समताप मंडलीय ओजोन का प्रभाव समुद्री पारितंत्र पर प्रभाव, यूवी बी विकिरण की अधिक मात्रा फाइटोप्लैंक्टन के उत्पादन में कमी लाती है। फाइटोप्लैंक्टन जलीय आहार नाल के आधार का निर्माण करते हैं, अतः यह मछली, सिर्फ केकड़ा जैसे जानवरों की पूर्व विकासी
यह चयन को क्षति पहुंचाते हैं, जिस कारण लार्वा का विकास प्रभावित होता है। यह वैश्विक तापमान में वृद्धि करता है। वनस्पति पर प्रभाव, यूवी विकिरण से शारीरिक एवं विकासीय प्रक्रिया प्रभावित होती है। पौधों के आकार में परिवर्तन, पौधों के पोषक तत्व के वितरण में परिवर्तन, विकासीय समय में परिवर्तन, इसके साथ साथ फसल उत्पादन में कमी, बीजों में क्षति, फसल गुणवत्ता में कमी एवं पत्तियों की क्षति जैसे प्रभाव सामने आते हैं। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव की बात करें, यूवी विकिरण के अधिक मात्रा में पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में तापमान में वृद्धि होगी, जिससे मेलेनोमा त्वचा कैंसर में वृद्धि होगी। इससे श्वसन तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। साथ ही फसलों एवं जलीय आहार को प्रभावित होने से मानव के लिए खाद्य संकट उत्पन्न होगा। यूवी बी विकिरण अनुवांशिक पदार्थ डीएनए को प्रभावित करता है, जिससे जीन उत्परिवर्तन तथा अनुवांशिक दोष उत्पन्न हो सकता है। त्वचा कैंसर में वृद्धि, मोतियाबिंद एवं अन्य निर्दोष प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होना। फिर है जैव भू रासायनिक तंत्र पर प्रभाव, पराबैंगनी किरणों में वृद्धि से स्थलीय एवं जलीय जैव भू रासायनिक तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे दोनों स्रोतों में परिवर्तन होता है एवं ग्रीन हाउस गैसों के भंडार गृह भी प्रभावित होते हैं। इन सब के कारण जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाओं में वृद्धि होती है। जो मंडलीय ओजोन गैस है प्रभाव, जो मंडल में उपस्थित ओजोन हरे पौधों वन मनुष्य हेतु हानिकारक होता है। यह पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्ग्रहण में कमी लाता है, जो वैश्विक तापमान में वृद्धि करता है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एनओएक्स से प्रतिक्रिया कर फोटोकेमिकल स्मोक की उत्पत्ति करता है, जो आंखों में जलन श्वसन तंत्र में समस्याओं को उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं ओजोन परत की कमी को सम के समाधान इसे कम करने के समाधान कौन कौन से हैं। कीटनाशकों के कम प्रयोग, रसायनों का उपयोग करने के बजाय कीटों और खरपतवारों से निदान हेतु प्राकृतिक तरीके को लागू किया जाना चाहिए। कीटों को हटाने या फिर मैनुअल रूप से मातम को दूर करने के लिए एक पर्यावरण के अनुकूल रसायनों का उपयोग कर सकते हैं। वाहनों का कम उपयोग, वाहन बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ओजोन रिक्तिकरण का कारण बनते हैं। इसलिए जितना हो सके वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। पर आपका पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग, अधिकांश सफाई उत्पादों में क्लोरीन और ब्रोमीन रिलीज करने वाले रसायन होते हैं, जो वायुमंडल में रास्ता खोजते हैं और ओजोन परत को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए इन्हें प्राकृतिक उत्पादों के साथ साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड का निषिद्ध उपयोग, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और हानिकारक नाइट्रस ऑक्साइड के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जो ओजोन परत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। लोगों को नाइट्रस ऑक्साइड के हानिकारक प्रभावों और गैस का उत्सर्जन करने वाले उत्पादों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि इसका उपयोग व्यक्तिगत स्तर पर भी कम से कम हो सके। याद रखिए कि ओजोन क्षरण एक वैश्विक समस्या है, तथापि इसका निदान वैश्विक व व्यक्तिगत दोनों ही स्तरों पर होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय समझौतों को मानते हुए व्यक्तिगत स्तर पर वृक्षारोपण इत्यादि के द्वारा इसे रोकना ही मानव कल्याण हेतु उचित होगा। तो चलिए, ये था आपका ओजोन परत में जो कमी आ रही है, जो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, उसी से संबंधित आर्टिकल।
ठीक है।